दोस्तों अहमर की असलियत अब छुपने वाली नहीं है, क्योंकि अब एक तरफ तो फखर को ये यकीन हो चुका है कि ईमान बेकसूर है और ये सब खेल अहमर का था, जबकि दूसरी तरफ दानियाल भी अब अहमर का चेहरा सबके सामने लाने की ठान लेता है। इसीलिए आप देखेंगे कि फखर अपनी वालदा से साफ साफ कह देता है कि मैं ईमान को वापस ला रहा हूं, ईमान बेकसूर है और वो मेरे बच्चे की मां बनने वाली है, जिस पर नजमा बेगम और माहा फखर से झगड़ती हैं कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी आप ईमान पर भरोसा कर रहे हो। फखर जवाब देता है कि मैं हकीकत जान चुका हूं कि ईमान बेकसूर है और ये सब खेल अहमर का था, जबकि माहा और नजमा बेगम ये बात मानने को तैयार ही नहीं होती। और दूसरी तरफ जब समिया की असलियत फैसल के सामने खुलकर आ जाएगी तो फैसल भी समिया को तलाक दे देगा। तो दोस्तों ये सब कुछ देखेंगे आप आने वाली एपिसोड में।